अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आरिफ खान सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल बॉक्सिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन बार है उसका कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में। तो यही हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटे सारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो गाइस आज वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो एक और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है ये हर किस्म के मोबाइल में यूज़ की जा सकती है, तो उसकी कोई बात नहीं। आपने बस लिखना प्ले स्टोर में जाके MIUI 12 कंट्रोल सेंटर। तो पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है 0.2 MB की। और ये एप्लीकेशन किसी भी मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रियलमी का है, रेडमी का है, क्या मोबाइल है, सैमसंग का, ओप्पो है, वीवो है, कोई बात नहीं। तो अब आपको करना क्या, आपने जब इसको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना, तो आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा। तो आपने सबसे पहले डुअल सिम वाली परमिशन देनी है, एलो पर क्लिक कर देना। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाना है, तो वहाँ पर जाके आपने ये एप्लीकेशन का नाम ढूंढना है, MI कंट्रोल सेंटर, इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपने वापस आना, यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना। तो MI पर क्लिक कर दें, एलो कर दें, और अब आप अपना जो नोटिफिकेशन पैनल है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें, आपको इस वक्त मेरा नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दे रहा है जो चेंज हो चुका है। ब्राइटनेस है मेरी, फोटो भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरा वाईफाई चल रहा है, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये किसी भी मोबाइल में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में।